नमस्कार, जय शिवराय। मैं उभुदेव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल राधा वंडरर। आज हम जा रहे हैं पाली राइड पे। ये मेरा जो क्लब है बुल राइडर्स, इसका है एनिवर्सरी। तो आज एनिवर्सरी पार्टी है और साथ में कल इंडिपेंडेंस डे भी है, आज 14 अगस्त है। तो हम दोनों एक साथ करेंगे क्लब का एनिवर्सरी राइड और कल इंडिपेंडेंस डे का इंडिपेंडेंस डे राइड, दोनों साथ में करेंगे। तो चलते हैं पाली और मेरे सारे दोस्त क्लब वाले सारे आ रहे हैं वेलकम होटल पे, वेलकम रेस्टोरेंट बनवेल, वहाँ पे मिलते हैं। ये है वेलकम रेस्टोरेंट, यहाँ पे सारे आएंगे। मैंने मेरा बाइक उधर पार्क किया है गाड़ी का बाजू में, लेकिन यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे पूरा तालाब बनी हुई है, एकदम वेलकम रेस्टोरेंट। रोड से निकल के जो वेलकम रेस्टोरेंट में आने का जगह है, बहुत ज़्यादा पानी भरा है। तो मैं थोड़ा घूम के उस साइड से आया, इधर से आया। अभी मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ ताकि वो आए तो मैं उनको गाइड कर सकूँ। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। ये है अपना ग्रुप पार्क कर रहे हैं। ये है अपना कैप्टन संजोग भाई, अभी ब्रीफिंग कर रहे थे। राजन, संजीव, दीप, जयेश भाई, हर्ष, मानव, शिव, विपिन, उधर देव साहब स्पेशल, सॉरी ये ऑफिसर भी बोल सकते हो, इजी रहेगा। और ये है मायसेल्फ और हम जा रहे हैं पाली। अभी प्लानिंग हो रहा था पाली में जाके क्या क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे। अरे इधर देखो, ओए ओ मोनी भाई, इधर जरा कोई खाएगा भेजा अभी तक हम लोग जंगल के अंदर से सिंगल रास्ते से जा रहे थे। अभी ये सामने से एक एसटी बस आ गया, इतना बड़ा सा बस, और बिल्कुल रास्ते में जगह नहीं बचा है हम लोगों को क्रॉस करने के लिए। एक अजीब सा सिचुएशन था और हमारे साथ में एक थर भी था, तो हम बस कैसे भी थोड़ा साइड में लिया और हम थोड़ा थोड़ा करके एक आदमी करके थोड़ा सा बाजू में से, रास्ते का बाजू में से, मिट्टी में से थोड़ा क्रॉस करने लगे। एक एक कर करके सारे राइडर क्रॉस किया, मैं भी क्रॉस किया, लेकिन तब तक आगे संजोग जो पहले क्रॉस किया था उसका बाइक कैसे गिर गया। भगवान का शुक्र है संजोग भाई को कुछ नहीं हुआ, उनका बाइक का एक साइड का मिरर टूट गया। सभी ने मिलके उसका बाइक खड़ा किया, फिर बाइक स्टार्ट किया। उधर पीछे अभिजीत भी गिर गया था, तो सबको उठा के थोड़ा संभाल के हमने फिर जर्नी चालू किया टूवर्ड्स हमारा जो होटल है पाली पे उस तरफ।
तो पाली में ये है हमारा होटल। हमने आया इधर और गाड़ी पार्क किया, फिर ये अभी सब हम जा रहे हैं। एक फॉल्स है वहाँ पे, कौन सा फॉल्स का नाम क्या है? ये राइडर्स फॉल्स, बुल राइडर्स फॉल्स। चलो अभी हम जा रहे हैं, एक फॉल्स है वहाँ पे नहाने। जयेश भाई काफी दिन बाद मेरे साथ ब्लॉग में, पहली बार जयेश भाई मेरे साथ लद्दाख गया था। मैं, जयेश भाई और संजोग एक साल के बाद का ग्रुप, एक साल बाद मिल रहे हैं। ये हम लोग अभी जा रहे थे एक फॉल्स और सोच रहे अभी रास्ता किधर है, लेफ्ट है राइट है समझ में नहीं आ रहा है। इधर ही होगा, लोग गए ना इधर ही होगा, इधर इधर ही होगा मेरे को भी लगता है। आवाज तो आ रही है पानी की। अरे वो नहा के आ रहा है, देखो क्या सीनरी है, देखो नजारा चारों तरफ। ये रोड आगे कहाँ गया पता नहीं, कल देखेंगे थोड़ा। ये हमारा होटल का एरिया और ये हम चल दिए अभी। मैं हाथ पकड़े इस तरफ, क्या पकड़े यार। ये है खाने नहीं पीने का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट आ रहा है, इसमें है पीने का अरेंजमेंट। देखो सारे कितना खुश है, पानी का साथ पीना भी है। तुम्हारा हम्टी डम्टी हो जाएगा उल्टा, कंधे पे लेके कौन चलेगा बराबर ना, कंधे पे लेके चलना सबसे बड़ा त्रास है वो। और नीचे वाटरफॉल बहुत ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, छोटा मोटा ही। तो ये है वाटरफॉल एरिया, वाह वाह वाह। People are enjoying, people are enjoying. ये बघा आता का इतकं काम नाही आहे, छात करून घेऊ का आता का। पानी के अंदर जाता है ऐसे, बाहर नहीं आता। अरे ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे काई तो ये सफल रहा है, वो हमारा सभी का सामान लेके आ रहा है। इतना बोल वो ऐसा आ रहा है, ऐसा हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं बैठने का, ताकि दो चार घंटा बैठ सके आराम से और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। हाँ डेफिनेटली बैठेंगे, बस बस यही अपना ही जगह है। ठीक है घेऊन आला दादा, दादा त्या टापूवर द्या ना। अच्छा ये है कल्पेश भाई, थोड़ा लेट है हमारा साथ, लेकिन हमारा बहुत पुराना राइडर है। जयेश भाई को तो मैंने दिखाया और ये है संजीव, ये इनको पहले दिखाया मैंने। कल्पेश भाई थोड़ा लेट है। हेलो गाइस। और ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने रुका हुआ है, इस रास्ते से हम आए थे। और ये है हमारा होटल, होटल आपको दिखा दूँ। अच्छा समथिंग लाइक एलिशन फील्ड इज़ द नेम ऑफ द होटल, देखते हैं। ये होटल है, अच्छा है ये, इसका पार्किंग का जगह है क्योंकि ये लोकेशन ना काफ़ी अंदर है, मतलब जो सिटी है या मार्केट है यहाँ से करीब करीब 30-35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर एकदम जंगल वाला रास्ता है, सिंगल रोड, और वो भी बहुत अच्छा कुछ नहीं है। इस जगह पे होटल
ये पाली है, ये हमारे सारे का बाइक है, ये मेरे बाइक है और ये बाकी सब लोगों का बाइक है। अभी आपको दिखाता हूँ होटल का रिसेप्शन। ये है रिसेप्शन, नॉर्मली कोई नहीं है बट रिसेप्शन इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा रिसेप्शन। हमारा रूम जो है ना वो ऊपर है, हम लोगों को टोटल 6 रूम दिया है, ये ऊपर चल रहा है, ऊपर जाके 6 रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मैनेजमेंट। हाँ बहुत अच्छा फ्रेश का हमारा। ये इस तरफ कुछ रूम्स है और ये एक डाइनिंग स्पेस है, हमारा रूम इस तरफ है, इस तरफ ये ऊपर जाने का और एक रास्ता जो टेरेस की तरफ जाता है, ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स है, वेरी नाइस। और फिर इस तरफ हमारा रूम है 212, ये 212 हमारा रूम है। तो ये है हमारा रूम 212 और रूम अंदर से ऐसे दिखता है, ये एक बेड है, ये संजोग भाई और ये है खिड़की, एक अच्छा सा सीनरी, काफ़ी अच्छा है बाहर का यहाँ से दिखता है। ये बैठने का जगह है, सारे जगह पे हमारा कपड़ा रखा हुआ है तो अभी सूखने के लिए क्योंकि बारिश में। इधर एक ड्रायर है और ये कल मेरा सामान रखने के लिए, सब जगह पे हमने सामान भर दिया, जिधर जगह मिला सामान घुसा दिया, यही होता है राइड पे आएगा तो, क्योंकि सब गीले होते हैं बारिश में। चिकन चिकन एक खाना रेडी हो रहा है सर, वेज वाला कौन? वेज वाला वो कॉर्नर पे वेज तुमचं तुमचं प्रिपरेशन मला आयडिया होती, मला म्हणलं विचारू नका, तुम्हाला काय म्हणाल विचारू नका, करून टाका। तुम्हाला शेवटचं म्हणजे काय सांगितलं मी, अर्धा किलो माणशी पकडून चला। अरे मित्र जवाब मेरे अच्छा नहीं है वो, इधर हाथ लगाओ। अरे उधर क्या है, वो उधर से ले रहा है, मैंने ऐसा रखा है पहले। हाथ लगाओ इसमें कैप्टन के मुंह को लगा दिया। और ये नया फाइनेंस मिनिस्टर आपका, इसके मुंह में इसका दाढ़ी अच्छा है, इसको लगाओ दाढ़ी का क्या होगा दाढ़ी हेलो कल भी है ऐसा तू गिरा हुआ है। एक दूसरे को खिलाओ, लो खिला तो कर लो रवि, थैंक यू लो ये बाद में इसको डेमो दे।
ये है होटल का व्यू, होटल बाहर से कैसा दिखता है, और ये जो एरिया है ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एरिया में ये होटल है। ये है होटल, थोड़ा दूर से मैं दिखा रहा था ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 बज रहा है। कल रात को सोने में काफ़ी लेट हुआ था, उसके लिए सोते सोते करीब 2 बज गया था, क्योंकि वो जो एनिवर्सरी का केक कटिंग वगैरह था सब लोग वेट कर रहे थे। इसका पीछे वाला एरिया भी काफ़ी है, लेकिन बारिश में जंगल हो रखा है। अच्छा, अगर ये एरिया देखेंगे सामने एक खंडहर पड़ी है, पता नहीं किसका है, किसी का भी तो होगा बंगलो ये। ऑन द वे हमने ये निसर्ग होटल पे रुक के थोड़ा चाय कॉफ़ी लिया। बेसिकली एक बंदे का बाइक का थोड़ा इशू हुआ है, उसका बाइक में फिर ऑयल डालना है, ऑयल कम हो गया है, सो ये सब हमारी बाइक से, सो मैकेनिक के पास लेके गया, ऑयल डालेगा उसके बाद। अभी टाइम हो रहा है 11:30, पहुँचाना चाहिए था अभी तक घर। बारह बजे का करीब हमने उस रेस्टोरेंट से जर्नी शुरू किया घर की तरफ। बारिश काफ़ी हो रही थी, उसी बारिश में सब लोगों ने शुरू किया। मेरा तो पनवेल था जो वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन बाकी सबको गोरेगांव दहीसर उस साइड में जाना था, तो उनके लिए करीब 2.5 घंटे का रास्ता था। तो बीच में हमने कहीं नहीं रोका, स्ट्रेट सीधा अपने अपने डेस्टिनेशन पर चले गए सारे। मैं बीच रास्ते से ही बाइक करके पनवेल आ गया, और बाकी सब दहीसर और गोरेगांव की तरफ निकल गए। मैं घर में पहुंचा करीब 1:30 बजे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों का साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सारे न्यू वीडियोस को इन्फॉर्मेशन आप तक आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टूर पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय।